तो सुबह के कुछ वीडियोस में मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है, यहाँ पर आपको सिर्फ देख के ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये है सुबह की चाय जो कि बना रही है मम्मी, और जल्दी एक ब्लॉग वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं खुद भी चाय बनाता हुआ दिखूंगा। और सुबह के ये कुछ काम होते हैं जहाँ पर मुझे भरना होता है कूलर में पानी, और उसके साथ ही देने होते हैं पेड़ पौधों में भी पानी को, ताकि हमारे पेड़ पौधे हरे रहें। तो इस तरह से कुछ मेरी सुबह होती है जहाँ पर ये रोज़ का ही काम होता है, जहाँ सुबह 8 से 8:30 के बीच में इन पेड़ों में पानी देना रहता है, कूलर में पानी भरना होता है। और अच्छा लगता है सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट सुनकर। इसके बाद नहाकर होती है पूजा पाठ। अरे हाँ, आज थी हनुमान जयंती, यानी आज था हनुमान जी का जन्मदिन। तो आप सभी को इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ युग और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आपने देख लिया अभी पूजा पाठ चल रही थी और पूजा पाठ हो चुकी है दिन के 1 बजे, लेकिन वो काफ़ी देर पहले मैंने किया था, लेकिन वीडियो अब बनाना शुरू कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए यार, मतलब बड़ा बोरिंग सा डे हो रहा है, कुछ भी करने के लिए है ही नहीं घर में। तो मैं बस अपने रूम में आया था, मतलब स्टूडियो रूम में आया था, ये स्टूडियो रूम। और अभी मुझे ना इस वॉल के लिए कुछ सोच रहा हूँ मैं, यहाँ पर मुझे कुछ वो लगाने जिनमें आप सामान रख सकें, मुझे नाम नहीं बोलना आ रहा है। तो यहाँ पर ना मुझे कुछ सेल्फ टाइप से कुछ लगाने हैं जिनमें हम सामान रख सकें कुछ अच्छा वाला, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि इस हिस्से को मैं शूटिंग के लिए यूज़ करूँ अपने वीडियो में। और यहाँ पर कैमरा रहेगा, और यहाँ पर क्या जगह अच्छी मिल जाएगी कैंप लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लगा दिया जाए, जो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट में मिलेगा नहीं, और ऑनलाइन शायद मिल सकता है। तो ऑनलाइन मुझे पता नहीं है अभी ऑर्डर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वैसे 2 दिन पहले मैं चेक कर रहा था तो कुछ भी दिखा नहीं रहा था कि मतलब आपकी लोकेशन पर डिलीवर्ड होगा या नहीं होगा। तो मैं बस वही प्लान कर रहा हूँ कुछ अपने स्टूडियो को अपग्रेड करने के लिए। वैसे तो मुझे जुगाड़ करना बहुत पसंद है, मतलब जुगाड़ से घर में आप कुछ भी बना लो अगर बना सकते हो तो, लेकिन इस वक्त मेरे पास पर्याप्त साधन भी नहीं है कि जिससे मैं कुछ बना सकूं। वरना मैं खुद ही बहुत सारी चीज़ें घर में बना लेता हूं, लाइक वो घड़ी जो आप देख रहे हो वो ऐसी नहीं थी पहले, उसके अंदर लाइट भी लगी हुई है और उसके अंदर मेरा नाम का वो जो है लोगो भी लगा हुआ है। तो ये सब मैं ही करता हूँ घर के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप खुद से कुछ बना सको तो बहुत अच्छा है, फिर जब ऑप्शन नहीं रहता तो फिर खरीदते हूँ। तो ऐसे कुछ सोच रहा था। ये देखो एक रिंग लाइट मैंने बनाई थी, ये मार्केट में ये स्ट्रिप मिल जाती है, और इस स्ट्रिप को ना इसके नीचे पता है क्या है, स्टेयरिंग कवर है कार का, तो उसको लेकर मैंने इसको बनाया था। और इसको मैं जला के दिखाता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी लगती है जब ये चालू होती है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो ये शायद जो लाइट फैल रही है वो स्क्रीन गार्ड के कारण ऐसा हो रहा है, वरना ये बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसमें ऐसे बात करो तो आँखों पे बकायदा रिंग भी बनता है, मतलब जो 3,500-4,000 रुपये की जो चीज़ आती है वो मैंने 150 रुपये की स्ट्रिप थी और 150 रुपये का वो जो स्टेयरिंग कवर होता है कार का वो था, उससे मैंने इसको बना लिया था। तो ये बहुत बढ़िया है, कभी भी ख़राब हो जाए तो स्ट्रिप निकालो, 150 रुपये की स्ट्रिप आती है मार्केट में, जाकर फिर से ले लो और फिर से बना लो। इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी
लगा के रखी हुई है लाइट है, इनको भी जला के दिखाता हूँ। ये देखो ये पूरी लाइट है, मैंने स्ट्रिप लगा के रखी हुई है यहाँ पे भी। तो बहुत इजीली ये सब हो जाता है, मतलब कम पैसों में और आराम से। बस करना क्या है, सिर्फ चिपकानी तो है इसको, ऐसे चिपका दो और काम हो जाता है। तो कहा ना मैंने कि मुझे जुगाड़ बचपन से ही पसंद है। तो कितनी बढ़िया लाइट आ रही है, आप देखो आंखों पे भी रिंग लाइट आ रही है। मतलब रिंग लाइट का मतलब तो यही होता है ना कि आंखों में रिंग लाइट दिखना चाहिए, तो भाई बड़ा अच्छा लगता है वीडियो। तो लाइट भी भरपूर आ रही है और रिंग लाइट का काम भी कर रही है। तो किसी को भी आइडिया चाहिए है, अगर कोई बनाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे बता देना, मैं आपको ऑनलाइन ये सारी चीज़ें बता दूंगा कहाँ से क्या खरीदना है, तो आप इसको खरीद सकते हैं और इसके बाद आप घर में इसको बना सकते हैं। अब मेरे पास दूसरा स्टैंडिंग कवर नहीं है, नहीं तो मैं बना के पूरा बनाने वाला वीडियो ही बना देता कि किस तरीके से बनाना है। तो फिर भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बनाना है। ये माइक है जो हम लोग शूटिंग में यूज़ करते थे, गाना जब भी शूट होता है तो मैंने इस माइक के ऊपर कम से कम 250 से 300 वीडियो शूट किए हैं। मैंने एक नहीं किया है, मैं जब दूसरों के लिए बनाता था म्यूज़िक वीडियोस, जब मैं खुद डायरेक्टर होता था म्यूज़िक वीडियो का, तब ये माइक हम लोग यूज़ करते थे। और इस माइक से बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस भी दिख जाएंगे। तो ये माइक मैं यूज़ करता हूँ, इस माइक का नाम है 555 नाम से, इसको अमेजोन पर सर्च किया जाता है। सिल्वर माइक बोल सकते हैं इसको, और काम करता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आज तक कभी इसको चेक करके देखा नहीं है। तो इस माइक को आप ले सकते हैं अगर आप म्यूज़िक वीडियोज या कवर सॉन्ग्स या आप खुद एक सिंगर हैं तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। ये गिटार है जो मैंने अपने फ्रेंड से बहुत कम प्राइस में ख़रीदा था, और हालांकि ये बजता नहीं है, मतलब बजता है बट मैं बजाता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आता है। मज़ा तो फिर दूसरे गिटार जो होते हैं उनमें आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक गिटार है तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता नहीं है मुझे बजाने में इसको। इसमें क्या है, तामझाम लगाना पड़ता है, वायरिंग लगती है यहाँ से, इसके बाद ये काम करता है। बट साउंड जो रहता है वो अकॉस्टिक गिटार उनमें मज़ा आता है, रिंग कट गिटार उन सब में। तो ये बस ऐसे ही टंगा हुआ है शोपीस की तरह, लेकिन गिटार बहुत अच्छा है। तो ये मेरा स्टूडियो है, कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें कोई भी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा महंगी मैंने लगाई नहीं है। स्टूडियो मुझे अपग्रेड करना था लेकिन 2 साल से काम की वाट लगी हुई है, तो मैंने सोचा अभी थोड़ा रुकता हूँ, कुछ बाद में हम बनाएंगे। अभी फॉल सीलिंग वगैरह भी कराना है यहाँ पर, बड़ा अच्छा सा लाइट वाइट लगाना है, लेकिन अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, और जब सब ठीक होगा उसके बाद हम करेंगे। तो अगर आपको स्टूडियो का कोई भी सामान लेना है तो आप मुझे मैसेज करिए कि आप क्या लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आप क्या चीज़ खरीदें जो आपके लिए अच्छी हो और कम पैसों में भी हो। तो कई बार होता यह है कि हम अच्छी महंगी महंगी चीज़ें देख लेते हैं और फिर हमें लगता है कि हम नहीं खरीद पाएंगे, तो हम उदास होने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज़ मिल जाती है, और जो चीज़ नहीं मिलती है उसे आप जुगाड़ से बना लीजिए। मैंने तो बचपन से जुगाड़ से बहुत काम किया है, मतलब अगर कोई चीज़ मैं नहीं खरीद पाता था तो मैं उसको खुद बनाने लगता था। तो ऐसा ही आप लोग भी कीजिए, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं और कुछ भी, मतलब यूट्यूबर नहीं है तो भी अगर आप घर में कोई चीज़ को बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। क्या ये रिंग लाइट मतलब 3,500-4,000 रुपये की आती है, इसको आप मात्र 300-400 रुपये में घर पर बना सकते हो, तो काम चलता है, ऐसा नहीं है। और फिर ज़रूरी नहीं है कि आप अगर उसको ले लो तो आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करो। कई बार चीज़ें हम ले लेते हैं लेकिन पड़ी रहती हैं, तो बेटर है कि आप इस तरीके से अपना शौक़ पूरा करो। तो मैं हूँ छत पे, दिन में सो गया था, काफ़ी देर मेरी नींद लगी रही आज, और आज का दिन भी कुछ खास नहीं रहा, आज वीडियो तो बनाया नहीं कोई भी, बस यही वीडियो चल रहा है जो मैं अपलोड करूँगा। तो थैंक यू, आपने कल वाले वीडियो को प्यार दिया, और ज़्यादा चला नहीं लेकिन ठीक है, आप सबके कमेंट्स आए बहुत अच्छे अच्छे और सबको अच्छा लगा वीडियो, सबको मेरी मम्मी बड़ी अच्छी लगी, तो उसके लिए थैंक यू कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। और हमने जो भी किया, मतलब पहली बार ही बनाया था और
और फिर ये वीडियो कोई ब्लॉगर ब्लॉगिंग वीडियो भी नहीं है, मैं तो बस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो कि कुछ भी करो पर आओ यूट्यूब पे हमसे बात करो, तो बस इसी तरह आता रहूँगा। आप देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो फिर उसको भी बनाएंगे, बट अभी जो है उससे काम चलाते हैं। चाय बहुत अच्छी बनाई है, मैंने नहीं बनाई है, मम्मी ने बनाई है।